ऊर्जा ऊर्जा खुद खुद खुद। हेलो गाइस, वेलकम टू मॉर्निंग व्लॉग। अभी टाइम उसके 9 बज चुके हैं और पार्ट सूख चुका है। देखो तो पार्ट ने सोच क्या करा, मतलब वो एक कहानी देखता ना कि मतलब एक बच्चा कार में, मतलब कार में दबाया था मिट्टी में और उसका अगले दिन पेड़ गया था तो उसने भी दबा दिया, मतलब मेरे से गड्ढा करवा के। भैया नाश्ता कर रहा है, अभी नाश्ता बनाए खस्ता और जलेबी, और उसको स्कूल भी जाना है। मैं नहीं जा रहा स्कूल, ऐसे भी मेरा मन नहीं करता। और पापा फोन बात कर रहे हैं अभी, पापा भैया मतलब भैया छोड़ के आएंगे ना पापा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और 9:15 पे भैया स्कूल भी स्टार्ट होता है, फिर 15 मिनट ही बचे हैं तो जल्दी पापा छोड़ के आएंगे। चलो मैं वहाँ करता हूँ। तो बस पापा ने बाइक बाहर निकाल ली है और भैया भी आ चुका है। बाय सुबह भैया आ चुका है और मैं जाना नहाने के लिए, तो मेरा पानी भी गर्म हो चुका है तो जल्दी से मैं नहा के आ जाता हूँ। सुबह मैं नहा चुका हूँ और पापा और मैं कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता तो बता ही चुका हूँ मैं आपको क्या बनना है, और मम्मी बर्तन धो रही हैं अभी, फिर मम्मी नाश्ता करेंगी और हमें कहीं आज जाना भी है तो जल्दी जल्दी खाते हैं फिर चलेंगे हम। सुबह मैं नाश्ता कर लिया है और पार्थ यहाँ पर खेल रहा है। मम्मी बना रही हैं चाय, मम्मी भी नहा चुकी हैं और आज हमारी नानी आई हैं, नानी को भी दिखा देता हूँ। तेरी नानी के चल गए 3 लाख रुपए और पापा बैठे हैं पीछे। हेलो बोलो। हाय हेलो। तो पापा भी नहा चुके हैं, पापा को जो काम करना था मतलब कहीं जाना था ना तो वहाँ से भी आ चुके हैं। और ये देखो हमारा असली क्रिसमस ट्री, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना है, छोटा है इसलिए इसको कर डेकोरेट। सुबह बच चुके हैं दोपहर के 2, भैया स्कूल जा चुका है और नानी को छोड़ने जा रहे हैं हम। सुबह आज मैं आपको एक बहुत पुरानी जगह दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे हम मतलब पहले जब छोटे थे तब आते थे, दिखाता हूँ। देखो ये है वो जगह, भद्दी पुरानी थी। यहाँ मतलब जो होता है ना रेलवे क्वार्टर वो है यहाँ पे, देखो लोग बैठे यहाँ पे रेलवे क्वार्टर। अच्छा यहाँ पे लोग रहते हैं थोड़े बहुत, और ना नीचे चलेंगे, मतलब यहाँ पे रेलवे स्टेशन है ना तो उससे तो नीचे चलेंगी। ये देखो बेचारा कुत्ता सोया पड़ा है। ये देखो इन लोगों का पर्सनल मंदिर भी है, हनुमान जी का, हनुमान जी का रेलवे लाइन, रेलवे रेलवे कॉलोनी का। हाँ रेलवे कॉलोनी है देखो पूरी यहाँ पे, और यहाँ पे मंदिर है हनुमान जी का अच्छा खासा, मतलब पर्सनल इन लोगों का, मतलब सब लोगों का है यहाँ पे। और सामने देखो वहाँ पे ट्रेन खड़ी है एक, उसमें नहीं जाएंगी नानी, वहाँ से उतर के फिर आगे। हाँ आगे से वहाँ पे उतर के नीचे आएंगी। तो हम आ चुके हैं, ये देखो कितनी लंबी ट्रेन है पूरी वहाँ तो जा रही है। देखो नानी को दिखा दे, और नानी जा रही है ट्रेन के अंदर आर पार होके, रास्ता है मतलब पार होके रास्ता है तो वहाँ से चली जाएंगी, तो चली गई। बाय बाय। तो अब नानी उतर चुकी है ट्रेन में, बाय। तो अब नानी जा चुकी, तो अब नानी गई और हम भी अब घर चलते हैं। तो देखो सामने सामने ये रेलवे का स्कूल है और उनका एक बिल्डिंग है, वो मनोरंजन संस्थान लिखा वहाँ पे सब कुछ, वो वहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं लिखा वहाँ पे। और ये देखो कितनी बढ़िया रोड है यहाँ पे, मतलब बड़ी शांति है, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए इवनिंग वॉक के लिए बहुत बढ़िया जगह है, पर नाइट वॉक के लिए अच्छी नहीं। और ये पता नहीं कौन सा कक्ष है, ये जनरेटर कक्ष है ये। और इधर पार्टी चली क्रिसमस की भी, वो है स्कूल देखो। तो गाइस अभी 2:45 हो चुके हैं और मैंने खाना खाया अभी स्कूल से आके, तो नानी भी चली गई, पापा भी आ गए, पापा ये रहे, पापा कहीं बाहर गए थे अभी काम से घूम रहे हैं पापा, और मम्मी बाहर बैठी धूप सेक रही हैं, पार्थ अभी भी सो रहा है। तो अभी हमारे ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है, 3 बजे ट्यूशन है ना, तो 2:45 तो हो गए हैं, 15 मिनट हैं, तो मैं बाइक से जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा 5 मिनट में, तो चलते हैं फिर ट्यूशन, थोड़ा बाल वाल सही करता हूँ, बाल बैग लेता हूँ, चलते हैं। सो
रुका था, हम ट्रेन से आ चुके मतलब काफी मेहनत के बाद, क्योंकि जहाँ पे हमने बाइक खड़ी करी थी वहाँ पे कुत्ता आ गया था। तो कुत्ता हटी रहता ना वहाँ से, और जब हम ट्रेन से निकलते हैं तो कुत्ता भूखता भी काफ़ी है। तो हमने किसी ना किसी अपने बाइक निकाल ली वहाँ से और हम जा रहे हैं अपने से घर। और अभी हम मतलब एक जगह भी आना है घूमने के लिए ऐसी, तो वो आपको बाद बताऊँगा मैं, पहले जल्दी से घर चल लेते हैं। और पानी तो गाइस अभी हम घर से निकल गए हैं और जहाँ हमें जाना है वहाँ जा रहे हैं, हम ऐसे घूमने जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, तो देखो पीछे यहाँ पे ये मंदिर भी है यहाँ पे, और जैसे हम द्रोण सागर आते हैं ना, तो मतलब उस टाइप की जगह है ये लगभग, और वहाँ बीच में इसमें एक मतलब तालाब या फिर लेक टाइप ऐसे कुछ है, पानी भरा पड़ा ना बीच में, मतलब पानी हमेशा ही रहता है। तो वो भी मैं दिखाऊंगा अभी, शायद उस पर अभी पत्ते रखे ढके हुए हैं पूरा, पत्तों को जो ढक जाता ना वो सर्दियों के टाइम पे, तो अभी वो भी देखेंगे जाके कैसा हो रहा है इस टाइम। तो गाइस देखो ये यहाँ का गेट है, यहाँ देखो पेंटिंगें बन रही हैं, तो चलते हैं अंदर। और यहाँ देखो कई सारे मतलब मंदिर भी हैं, और देखो इतनी सी जगह का मैप बना के रखा हुआ इतनी जगह है। हाँ मतलब इतना बाहरी मतलब कोई इतनी बड़ी वो भी नहीं है जो कि खो जाए कोई, इतना बड़ा नहीं है। पेड़ का भी मैं बना रहा, बीच में तालाब है। हाँ यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे ये नाव भी घूमती हैं, और ये भी रहते हैं ये पानी वाली जो होती हैं चिड़िया। तो चलते हैं अंदर, तो देखिए कुछ इस टाइप का है, यहाँ सब तरफ मंदिर ही मंदिर है। एक ही हनुमान जी की मूर्ति है, फिर राम जी का मंदिर है, और यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ देखने लायक तो यहाँ से देखना पड़ता है सब कुछ पानी जाके। तो देखो लगभग साफ हो चुका है, तो ये देखो इधर तो तालाब है ये, और आगे तक दिखाता हूँ कहाँ तक है। तो वो तो देखो अब पूरा क्लियर दिख रहा है, और आगे ये पेड़ों की वजह से दिख नहीं पा रहा, इसलिए जब मैं आगे की तरफ जाऊँगा उधर से जहाँ पापा जा रहे हैं वो देखो सामने, उधर से जाके दिखाऊंगा तो पूरा दिखेगा कि कितना दूर तक है। तो देखो अभी यहाँ पे भी काफी लंबा दिख रहा है वहाँ आगे से पूरा। फोन तो नहीं गिरेगा, वो गिर भी गया तो उठ जाएगा। क्या यहाँ पे पास में है, पेड़ लगा रखे हैं, यहाँ पेड़ लगा रखे हैं, सब्जियाँ हैं, पता नहीं हाँ शायद सब्जियाँ ही हैं। अब चलते हैं आगे। तो अब यहाँ से जैसे देखो अभी हम यहाँ खड़े थे, तो यहाँ से उतर के अब पूरा ये लंबा रास्ता है घूमने के लिए, और यहाँ पूरे में पेड़ पौधे हैं। तो देखो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ पूरा। तो देखो कितनी दूर तक है ये, पूरा आगे तक लास्ट जो कोना दिख रहा है। तू गया छोटा सा, आगे देख सकते हैं जो आपको एक सामने बिल्डिंग दिख रही होगी, वो देखो वो मेरी उंगली की सिधाई में तो वहां तक है ये पूरा। बुला कुछ है वो, और बाकी इधर तक तो है ही है, आगे जो मैंने दिखाया था पूरा जूम करके दिखाता हूँ। चुप गया था पैर में, यहाँ लोगों ने काफी गंदगी भी कर रखी इधर की तरफ, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे काफी सफाई रहती है, क्योंकि अभी यहाँ पे मेला लगने वाला है। अभी कब मकर संक्रांति कब है? I don't know. 14 जनवरी को है ना। हाँ तो जैसे क्यों बोला, तो अभी तो काफी टाइम है, मतलब महीना है लगभग, महीना अच्छा महीने से थोड़ा कम। कल क्रिसमस है, हाँ एक महीने में 10 दिन कम, तो तब यहाँ पे मेला लगेगा, तब यहाँ की साफ सफाई करेंगे लोग। तो हम चलते हैं आगे, और पापा को ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ निकल गए। तो आज देखो ये पूरा पेड़ पर चढ़ गया, पूरे पेड़ पर चढ़ना तेरे लिए इम्पॉसिबल से थोड़ा वाला काम है, बस बहुत इजी है, बहुत इजी है, कूदना बहुत मुश्किल है। देखो पापा यहाँ पे हैं, तो कृष्ण ने कल पापा का हेलमेट का शीशा तोड़ दिया, तो पापा अभी उसे ही सही कर रहे हैं। और ये अभी पेड़ पर चढ़ा हुआ है, तो उतर जाना जब इतना डर लग रहा है तो कूद जा, कूद जा, कूद कूद कूद। और आगे चल रहे हम, इसे पड़ा रहा है वहीं पे, गिर गया ये।
आजा इस वाले पे चढ़ अब। हाँ ये और पतला, इसमें कम जगह है ना। छोटे छोटे पेड़ों पे चढ़ेगा, मच्छर उस पर टूट जाएगा फिर वहीं से। वो देखो सामने गाय चल रही है। तो गाय चलती है नहीं, रुक भी जाती है। अब इस वाले पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। पापा आए रहे उधर से भी। इस पे चढ़, इस पे। ये देखो ये है पेड़ असली। ये देखो सिंगल पसली। ये टाइगर असली। वो देखो यहाँ से कितना क्लियर है। इन लोगों को कहीं घोंसला देखा चिड़िया का। इधर है कहाँ है? हाँ तो देखो मैं भी दिखाता हूँ। वो देखो ये छोटी छोटी, मतलब ये सब ये जो लटकती हुई दिख रही हैं, ये चमगादड़ हैं। हाँ पहले कितनी खबर फैलती थी कोरोना चमगादड़ से हो रहा। जब स्टार्टिंग हुई थी कोरोना की तब ऐसे फैलाते थे सब फालतू की खबरें। पापा इसे घोंसला बता रहे थे। घोंसले हैं तेरे साथ? तो ये जैसे अब हाल का सन दे रहा था ना, तो जैसे हल्की सी शाम होती है ना तो ये पूरे एरिया में घूमना शुरू कर देती है। तो ये काफी देखो आगे तक पूरा है लास्ट तक, लेकिन हम लास्ट तक जाएंगे नहीं। तो अब वहां से हम आ गए और कृष्णा कह रहा है कि यहाँ पे आगे झूले भी हैं। पता नहीं कहाँ यार, मैंने आज तक देखे नहीं। देखे मैंने आज तक जान देखी थी, तू ना आज तक देखी। वो झूले मेले में लगते हैं? नहीं अभी भी है, देख वहाँ पे दिख रही है मेले के झूले वगैरह। यहाँ पे झूले हैं, पगले बैठे बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, देख के आते हैं कहाँ हैं झूले। तो गाइस कृष्णा कह तो सही रहा था कि यहाँ पे झूले हैं, लेकिन झूलने की हालत में नहीं है वो झूले। इतने डेंजरस झूला आज तक नहीं। झूले तो अजीब वगैरह झूले हैं, लेकिन ऐसा ये पता नहीं क्या है। इस पे ऊपर चढ़ जाओ, क्या लिखा हुआ है? हम ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इसे कूड़ेदान ना बनाएं। और जस्ट इसी के नीचे ये देखो कितना कूड़ा, ये देखो। और यहाँ पर देखो कितना फूंक रखा लोगों ने। और ये देखो इसे जो कल हम जहाँ पे गए थे सेम चीज़ आई यहाँ पे मिल गई। देखो उल्टा लटक गया। पैर छोड़ दो एक बार उसके। तो गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और कृष्णा ने पूरी लाते मार मार के पूरे कपड़े बड़े सब गंदे कर दिए। काफी ज्यादा गंदा कर दिया मेरे को। तो घर जाके हाथ मैंने इतनी बढ़िया सीख सीखी है, आपको दिखाऊंगा ड्रोन वगैरह पे करना। चल काम कर अपना। कहाँ है बाइक? कहाँ है बाइक? इधर है। तो चलते हैं बाइक। जरूर मैं देखो आपको। अच्छा चल काम फ्री में है? फ्री में बड़ा भारी। इतनी घटिया चीज सीख के आया। अब चलते हैं घर। बाइक बाहर से आगे खड़ी है तो वहां से लेके आते हैं बाइक, चलते हैं। तो गाइस हम उस जगह से आ चुके हैं और मैं किचन में खड़ा हुआ था, मम्मी खा रही थी। और अभी टाइम हो चुका है 9:39। मम्मी पराठे देख रही हैं अभी और सब्जी क्या बनी है? गोभी की सब्जी बनी है आज, गोभी आलू। तो मम्मी का व्रत था, मेरी मम्मी टी का भी लाख है। सबसे पहले आज मम्मी खाना खाएंगी। अच्छा है, मम्मी तो खाऊगी? नहीं तुम लोग। अच्छा तो गाइस टाइम हो चुका है 11:34 और पापा भी सो चुका है। मम्मी पापा सोने के लिए जा रहे थे, मैं भी सब भाई मैं और भैया सोने के लिए जा रहे हैं। तो ले लॉक कर। लेट हुआ सर, बहुत लेट हो गया। टन टन।